Hello students, how are you? Might be keeping fit, fine and healthier also. Students, as you know, आज हम पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करने वाले हैं. तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम ये पता करेंगे या डिस्कस करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कैसे सॉल्यूशंस के लिए लगती है. जहाँ पर भी सॉल्यूशंस हमारे सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस हो, जिनमें हमारा सॉल्यूट हमेशा नॉन वोलेटाइल सॉलिड हो, तो ऐसे सॉल्यूशंस के लिए हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का यूज़ करते हैं. और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज चार तरीके की होती है. यू नो, पिछले वीडियो में हमने बताया कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज चार तरीके की होती हैं. पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, नंबर सेकंड इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, नंबर थर्ड इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, नंबर फोर्थ इज ऑस्मोटिक प्रेशर. तो आप जैसा कि लिखा देख रहे हैं कि हम पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के बारे में बात करेंगे. तो यह इसमें ध्यान रखना है कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कब पिक्चर में आएंगे, कैसे सॉल्यूशंस के लिए लगेंगे. ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें सॉल्यूट हमेशा नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट हो, मींस सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए हमेशा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी. बच्चों, जैसा कि हमने वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था कि अगर किसी भी वोलेटाइल सॉल्वेंट में हम सॉलिड सॉल्यूट मिला देते हैं तो ऐसे सॉल्वेंट का उस सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर कम हो जाएगा. एक बार और एक्सप्लेन करेंगे, हम देखेंगे इस चीज़ को, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा. इस डिक्रीज इन वेपर प्रेशर को हम लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहते हैं. तो यहाँ पर राउल्ट्सला ने बताया कि अगर आप किसी भी वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट में सॉलिड सॉल्यूट मिलाते हो तो उसमें जो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है, तो ये कमी किस चीज़ पर, किस फैक्टर पर डिपेंड करती है. अगर हमें ज़्यादा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कराना है, इफ़ वी हैव टू इंक्रीज इन वेपर प्रेशर, हमें जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर उसको बढ़ाना है या कम करना है, तो क्या करना पड़ेगा. वेपर प्रेशर कम करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसी के बारे में बताया. तो एक बार और हम डिस्कस करेंगे. जैसे ये सॉल्यूशन है हमारा नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट का, अगर इसको हीट करेंगे तो इसके वेपर्स फॉर्म होंगे. किसके वेपर्स फॉर्म होंगे? सॉल्वेंट के वेपर्स फॉर्म होंगे, सॉल्यूट के वेपर्स फॉर्म नहीं होंगे, क्योंकि सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है. तो यहाँ जो है आपके सॉल्वेंट के वेपर्स सब एक्युमुलेट हो जाएंगे, सॉल्वेंट के वेपर्स एक्युमुलेट हो जाएंगे. लेकिन ध्यान ये रखना पड़ेगा, सॉल्यूट के वेपर्स नहीं होंगे या सॉल्वेंट के वेपर्स ही होंगे. लेकिन ये जो नंबर ऑफ वेपर्स होंगे, प्योर सॉल्वेंट में अगर हम देखते उनके नंबर ऑफ वेपर्स से कम होंगे. ये जो सॉल्वेंट के वेपर्स यहाँ वेपर फेज में एक्युमुलेट हुए हैं, ये जो प्रेशर एग्जर्ट करेंगे इस लिक्विड सॉल्यूशन पर, इसको पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन कहेंगे. इस नोन एज पार्शियल वेपर प्रेशर इन दिस सॉल्यूशन. और सॉल्यूशन कैसा है हमारा? सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन है, जिसमें हमारा सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट है. और ये जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है, हमेशा ऑलवेज प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होता है. क्यों? क्योंकि ये जो सॉलिड सॉल्यूट है, ये इन वेपर्स के रास्ते में आ जाता है, इन वेपर्स को राइज अप नहीं करने देता, क्योंकि उनके साथ कोलाइड करता है, और कोलाइड करने के बाद उनकी काइनेटिक एनर्जी कम कर देगा, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, तो इसके वेपर्स भी वेपर फेज में एस्केप नहीं कर पाएंगे. तो नंबर ऑफ वेपर्स कम हो जाएंगे. जब नंबर ऑफ वेपर्स कम हो जाएंगे तो पार्शियल वेपर प्रेशर भी इस सॉल्वेंट का इस सॉल्यूशन में कम हो जाएगा. ओके, इट मींस कि जब भी हम किसी भी वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉलिड मिक्स करते हैं, तो ये जो सॉल्यूशन फॉर्म होता है, उसमें केवल सॉल्वेंट के ही वेपर्स फॉर्म होंगे, सॉल्यूट के वेपर्स फॉर्म नहीं होंगे, क्योंकि सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है. तो ऐसे सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है, वो उसके प्योर फॉर्म, किसके प्योर फॉर्म? सॉल्वेंट के प्योर फॉर्म के वेपर प्रेशर से कम हो जाता है. एंड द डिक्रीज इन वेपर प्रेशर इज नोन एज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. इसी डिक्रीज को हम लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहेंगे. तो राउल्ट्सला ने ये बताया कि जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होती है, ये किस फैक्टर पर डिपेंड करती है. उन्होंने कहा कि जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होती है, वो सॉलिड सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करती है.
अगर यहाँ सॉलिड सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन ज़्यादा है तो लोअरिंग इन या डिक्रीज इन वेपर प्रेशर विल बी मोर। अगर सॉलिड सॉल्यूट के पार्टिकल्स सॉलिड सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शंस कम होंगे तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी कम होगी। और यहाँ पर अगर सॉलिड सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शंस कहाँ लिक्विड फेज में सॉलिड सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शंस ज़्यादा होंगे तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा, ऐसे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी ज़्यादा कम हो जाएगा। तो अगर हम देखें इसमें लिखे ध्यान रखिए RLBP कैसे सॉल्यूशंस के लिए अप्लाई होगा, ऐसे सॉल्यूशंस के लिए अप्लाई होगा जहां पर सॉल्यूशन में आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्ट सॉल्यूट मिक्सअप किया गया है। तो अगर हम लिखें व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्ट सॉल्यूट इज एडेड टू volatile liquid solvent then the vapor pressure of resulting solution will decrease which is known as lowering in vapor pressure, इसको हम lowering in vapor pressure कहते हैं। और क्यों? due to the collision of solid solute particles। ये स्टेटमेंट नहीं है, स्टेटमेंट कुछ और है, इसका एक्सप्लेनेशन है, ड्यू टू कोलिजन ऑफ सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल्स विद द वेपर्स ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड हेंस द नंबर ऑफ वेपर्स of solvent reduces। जो solvent के vapors हैं vapor phase में वो कम हो जाएंगे causing decrease in vapor pressure of solvent in such solution जिसके कारण ऐसे सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, तो अब राउसला ने ऐसे सॉल्यूशंस के लिए क्या कहा, क्या स्टेट किया वो जरा हम देखते हैं। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए कभी भी वोलेटाइल सॉल्वेंट में अगर आप नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट मिलाते हो तो ऐसे सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है, क्योंकि सॉल्यूट का तो वेपर प्रेशर होगा ही नहीं बिकॉज दैट सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, ऐसे सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो सॉल्यूट है वो बार बार कोलाइड करेगा सॉल्वेंट के वेपर्स का के साथ में, और जिसके कारण जो वेपर्स हैं सॉल्वेंट के वेपर फेज में कम हो जाएगा और वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो राउसला ने क्या कहा, Rounds stated that for the solutions of non-volatile solid solute into volatile liquid solvent okay the relative lowering
इन वेपर प्रेशर ऑफ सच सॉल्वेंट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट इन सच सॉल्यूशन। ओके, दिस द स्टेटमेंट दैट द फॉर that for the solutions of non-volatile solid solute into volatile liquid solvent, the relative learning vapor pressure of such solvent is equal to the mole fraction of non-volatile solid solute in such solutions. Therefore, RLBP. अब हम देखेंगे RLBP का formula क्या है. RLBP equals to mole fraction of non-volatile solids. अब आप देख रहे होंगे कि अगर सॉलिड सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में ज़्यादा होंगे तो रिलेटिव लर्निंग वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, अगर मोल फ्रैक्शन सॉलिड सॉल्यूट के सॉल्यूशंस में कम होंगे तो आरएलबीपी भी कम हो जाएगा. ओके, अब ये फार्मूला आया कैसे है, आरएलबीपी है क्या, वो जरा हम देखते हैं. ठीक है बच्चों, ध्यान रखिए आरएलबीपी हमेशा ऐसे सॉल्यूशंस के लिए लगेगा जिसमें सॉल्यूट हमेशा नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट है. ओके, और राउल्स ने कहा कि ऐसे सॉल्यूशंस का जो रिलेटिव लर्निंग वेपर प्रेशर होता है वो मोल वो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है. एज पर राउल्स ला सॉल्वेंट, क्योंकि हम सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं, आप कह सकते हैं हम पी सॉल्यूट क्यों नहीं ले रहे. अरे भाई, पी सॉल्यूट इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि सॉल्यूट तो यहाँ नॉन वोलेटाइल है, उसका तो कोई पार्शियल वेपर प्रेशर ही नहीं होगा. क्योंकि बच्चों के दिमाग में उठ सकता है कि सर आप यहाँ पी सॉल्वेंट पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ही क्यों ले रहे हो, आपने पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है, उसका पार्शियल वेपर प्रेशर नहीं होगा. इसलिए यहाँ राउंड्स लॉ के हिसाब से हम पी सॉल्वेंट ही लेंगे, पी सॉल्यूट नहीं लेंगे, क्योंकि पी सॉल्यूट इज ऑलवेज जीरो है बिकॉज सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल. पी सॉल्यूट हमेशा यहाँ जीरो होगा क्योंकि सॉल्यूट यहाँ नॉन वोलेटाइल है, तो पी सॉल्यूट में पी सॉल्वेंट. ओके, लेकिन आप ये भी जानते हो कि पी सॉल्वेंट इक्वल्स टू P not solvent 1 minus mole fraction of solute. क्यों, कैसे आए, because x solute plus x solvent is always equal to 1. mole fraction of solute or plus mole fraction of solvent हमेशा 1 होते हैं. यहां से हमने इस formula को लिखा. ओके, इस टर्म को नीचे ले आइए, पी सॉल्वेंट अपॉन पी नॉट सॉल्वेंट, पी नॉट सॉल्वेंट को यहां नीचे लाइए. ठीक है, तो क्या बचा, वन माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. वन को इधर लाइए, तो जब वन को आप इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा पी सॉल्वेंट अपॉन पी नॉट सॉल्वेंट. वन पे इधर लाइए, माइनस वन इक्वल्स टू माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट माइनस. अब माइनस साइन इधर लाइए, तो माइनस साइन आप इधर लाएंगे तो फार्मूला हमारा कुछ और हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे. ओके, जब आप माइनस साइन इधर लाए तो हो जाएगा वन माइनस पी सॉल्वेंट अपॉन पी नॉट सॉल्वेंट इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. ठीक है, ओके, अब इसको हम एक टर्म और चेंज करेंगे, देखिएगा ध्यान रखिएगा, यहाँ हो जाएगा पी नॉट सॉल्वेंट
माइनस पी सॉल्वेंट। और यहाँ से हम आपको रिलेटिव लॉरेंटियन वेपर प्रेशर की डेफिनेशन भी बताएंगे। ओके, एलसीएम हमने ले लिया, एलसीएम लिया तो यहाँ पर पी नॉट सॉल्वेंट आ गया इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। लेकिन बच्चों आप लोग जानते हैं फॉर द सॉल्यूशंस कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉलिड सॉल्यूट पी सॉल्यूट इज ऑलवेज जीरो। क्यों है पी सॉल्यूट जीरो क्यों होगा? क्यों? क्योंकि सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल है इसलिए उसका पार्शियल वेपर प्रेशर हमेशा जीरो हो। ओके, तो पी सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? पी सॉल्यूशन क्या होता है? पी सॉल्यूशन इक्वल्स टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। यहाँ सॉल्यूट की जगह आप जीरो रख दीजिए, इट बिकम्स पी सॉल्वेंट। मीन्स जो पार्श टोटल प्रेशर है वो सॉल्यूशन का वो किसके बराबर जो हो जा रहा है? सॉल्वेंट के पार्शियल वेपर प्रेशर के बराबर हो जा रहा है। तो इस फार्मूले में आप क्या करिए, सॉल्वेंट की जगह सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर रख दीजिए। क्यों? क्योंकि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर ही होगा, क्योंकि सॉल्यूट का वेपर प्रेशर तो है ही नहीं यहाँ पर। देयरफॉर फार्मूला बिकम्स पी नॉट सॉल्वेंट माइनस पी सॉल्यूशन, पी सॉल्वेंट की जगह पी सॉल्यूशन रखिए, माइनस पी सॉल्यूशन अपॉन पी नॉट सॉल्वेंट इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये है हमारा फार्मूला रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसी पूरे टर्म को हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहते हैं। ओके, ठीक है। जो पी नॉट सॉल्वेंट माइनस पी सॉल्यूशन होता है उसको हम लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहते हैं। दैट पी नॉट सॉल्वेंट मींस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर फॉर्म माइनस टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज नोन एज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। देयरफॉर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, आई रिपीट, lowering in vapor pressure, this is lowering in vapor pressure with respect to the vapor pressure of pure solvent is known as RLVP. क्या है? RLVP है। One mark में पूछ लेते, what is RLVP? RLVP is known as lowering in vapor pressure of solvent or solution with respect to the vapor pressure of pure solvent, that is known as RLVP. Lowering in vapor pressure of solution or solvent due to addition of non-volatile solid solute. Non-volatile solid solute is with respect to WRT means with respect to the vapor pressure of pure solvent. देखिए RLVP की definition बता रहा हूँ, lowering in vapor pressure of solution or solvent due to addition of non-volatile solid solute with respect to the vapor pressure of pure solvent is known as RLVP. इसको हम क्या कहते हैं? RLVP कहते हैं। ओके बच्चों, तो आपने समझा कि जो RLVP होता है, relative lowering in vapor pressure होता है, ये हमेशा किसके बराबर होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड सॉल्यूट के बराबर होता है। अगर आपने सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज़्यादा मिक्सअप किया तो ऐसे सॉल्यूशन का RLVP मोर हो जाएगा, और अगर आपने सॉल्यूशन में
सल्यूट कम मिक्सअप किया तो उसका आरएलबीपी कम हो जाएगा, मतलब वेपर प्रेशर में जो कमी है वो कम होगी। अगर आपको वेपर प्रेशर में एंट्री लोअरिंग बढ़ानी है तो स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा सल्यूट बढ़ाइए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पानी में नमक मिला रहे हो, जैसे पानी का वेपर प्रेशर 243 mmHg है प्योर फॉर्म में, लेकिन अगर आप नमक मिलाओगे, नमक एक नॉन वोलेटाइल सॉलिड सल्यूट है, तो पानी का वेपर प्रेशर, अब जो नमक का सोल्यूशन बना सॉल्ट सोल्यूशन, उसमें पानी का वेपर प्रेशर 243 mmHg नहीं रह जाएगा, कम हो जाएगा। तो कितना कम होगा ये डिपेंड करेगा आप उसमें कितना नमक मिला रहे हो। अगर आप कम नमक मिलाओगे तो जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होगा वो कम होगा, अगर ज़्यादा नमक मिलाओगे तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, बढ़ेगा। जितना ज़्यादा आप उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्ट मिलाओगे उतना ही लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, ओके, ठीक है बच्चों। तो आप हम कह सकते हैं कि अगर हम सल्यूशन बना रहे हैं किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉलिड सल्यूट का, तो ऐसे सल्यूशंस का वेपर प्रेशर हमेशा कम हो जाएगा, एंड दैट लोअरिंग इन वेपर प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू दैट लोअरिंग इन वेपर प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज नोन एज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एंड इट इज ऑलवेज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, ओके। तो ये तो आपने यहाँ से फार्मूला निकाला किसके बराबर होता है राउल्ट्स लॉ, तो देखिए राउल्ट्स लॉ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए भी है और सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए भी है, आरएलबीपी एक्सप्लेन करने के लिए, दो जगह। अब हम ये डिटरमाइन करेंगे कि जो आपने सॉल्यूट मिलाया है उसका मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आते हैं उसमें मोलर मास भी नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट का कैलकुलेट करने के लिए आता है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। वो भी जरा फार्मूला, हम फार्मूला यही रहेगा, बिल्कुल फार्मूला यही रहेगा, बस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की जगह हम वहाँ वैल्यूज पुट करेंगे। जैसे कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट, और इसको क्या कहेंगे, एम सॉल्यूट, क्या कहेंगे, एम सॉल्यूट, ठीक है। तो अब आप मोलर मास का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, किसका मोलर मास सॉलिड सॉल्यूट का, यूजिंग किसका यूज करके, कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज करके, आरएलबीपी का। बच्चों ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एक दूसरे से बाइंडेड होती है, एक दूसरे के डिपेंडेंट होती है। अगर वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ जाएगा, ये सब बाउंडेड है, एक साथ में बाउंडेड है। जो पिछले वीडियोज मैंने इंट्रोडक्शन टू कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज देखा डाला है उसको देखिए, और उससे पहले इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट डाला वो भी आप देखिए तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसको डायरेक्टली नहीं देखना, उससे पहले के वीडियोस देख लें, ओके। जैसे देखिए, हाँ आप देखिए इसमें आरएलबीपी, आरएलबीपी कितना होता है, जैसे हम फॉर्मूला केवल आरएलबीपी ही लिख लेते हैं, आप लोग जानते हैं आरएलबीपी क्या होता है, आरएलबीपी इज पी नॉट सॉल्वेंट माइनस पी सॉल्यूशन अपॉन पी नॉट सॉल्वेंट इक्वल्स टू व्हाट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अच्छा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं, एन सॉल्यूट अपॉन एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट। तो यहां हम लिख सकते हैं देयरफॉर पी नॉट सॉल्वेंट माइनस पी सॉल्यूशन अपॉन पी नॉट सॉल्वेंट इक्वल्स टू एन सॉल्यूट अपॉन एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। आप लोग जानते हैं बच्चों कि एन सॉल्यूट को हम क्या लिखेंगे, डब्ल्यू सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ओके।
W mass of solute upon molar mass of solute यहाँ ऊपर लिखा है, ऐसे ही नीचे W solute upon molar mass of solute plus mass of solvent upon molar mass of solvent, ठीक है, सभी की वैल्यूज रखिए। अगर आपको वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में दिया हो, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दिया है और मास ऑफ सॉल्यूट दिया है, मास ऑफ सॉल्वेंट मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर W सॉल्यूट क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी मास ऑफ सॉल्यूट, एंड इट शुड ऑलवेज बी इन ग्राम्स। W सॉल्वेंट क्या है, that is mass of solvent, that mass should be in grams, m solvent क्या है, molar mass of solvent, solvent का molar mass है, ठीक है, और m solute तो आप जानते हैं। तो ऐसे ये फार्मूला ऐसे सॉल्यूशंस के लिए जो सॉल्यूशंस डाइल्यूट नहीं हो, लेकिन अगर डाइल्यूट सॉल्यूशंस हैं जिसमें सॉल्यूट का मास बहुत कम है, उनके लिए फार्मूला क्या होगा वो देखिएगा। मैं इसको मिटा देता हूँ, फार्मूला आपको यही याद रखिए, न्यूमेरिकल में इसी को हम यूज करूँगा, ठीक है। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस, डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए बच्चों जब डाइल्यूट सॉल्यूशन होंगे, तो ये जो डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होता है, जो सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट के जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, n सॉल्यूट इज वेरी वेरी लेस, बहुत बहुत कम, वेरी वेरी लेस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ ऊपर से तो n सॉल्यूट को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, तो पूरा ही टर्म खत्म हो जाएगा। यहाँ से अगर बहुत कम वैल्यू को जोड़ोगे तो ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये टर्म हम नेग्लेक्ट करेंगे। डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए RLBP equals to n solute upon n solvent, क्योंकि अगर वैल्यू कोई बहुत कम है उसको आप प्लस करते हो या माइनस करते हो डिनोमिनेटर में, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डाइल्यूट सॉल्यूशंस में हमेशा सॉल्यूट बहुत बहुत कम होता है, सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो सॉल्यूट कम तो उसके मोल्स भी बहुत कम होंगे, तो नेग्लेक्ट कर दिया, ओके। और इसको क्या लिखे, W सॉल्यूट अपॉन m सॉल्यूट अपॉन W सॉल्वेंट अपॉन m सॉल्वेंट, तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, therefore RLBP equals to रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर किसके बराबर है वो एक बार हम लिख लेंगे, W सॉल्यूट इनटू m सॉल्वेंट मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन m सॉल्यूट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू W सॉल्वेंट, और ये W सॉल्वेंट क्या है वो आप लोग जानते हैं, और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर RLBP आप लोग जानते हैं, दैट इज P नॉट सॉल्वेंट। एक बार और लिखूंगा मैं, RLBP इक्वल्स टू P नॉट सॉल्वेंट माइनस P सॉल्यूशन अपॉन P नॉट सॉल्वेंट, ये RLBP का फार्मूला है, और इसको बराबर रख देंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। तो ये फार्मूला है मोलर मास फाइंड आउट करने का, ये मोलर मास आप यहाँ से वैल्यू पुट करके मोलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चाहे इसको नीचे ले लो, भाई हमें न्यूमेरिकल में यूज करना है, तो हम सॉल्यूट यहाँ ले लीजिए RLBP, ओके। तो ध्यान रखना है RLBP एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और ये ऐसे सॉल्यूशंस के लिए अप्लाई होगी जहाँ पर जिन सॉल्यूशन में आपका सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट हो, जहाँ पर जो सॉल्यूट है आपका नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट हो, तो हमेशा ऐसे सॉल्यूशंस के लिए आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ठीक है बच्चों। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय करते रहिए, और खुश भी रहिए, फिट भी रहिए, ओके, गुड बाय।